नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। 2024 में 400 के पार जाने के लिए दक्षिण बेहद जरूरी है और यही एकमात्र वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार मिशन साउथ पर नजर आ रहे हैं, लगातार भाषण देते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस और डीएमके रही, तो केरल में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और लेफ्ट पर हमलावर नजर आए। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के घोटाले भी गिना डाले। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में एलडीएफ यूडीएफ पर राजनीतिक हिंसा के आरोप लगाए और साथ ही केरल और तमिलनाडु में इस बार कमल खिलने का दावा किया। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंतिम छोर यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। यहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डीएमके और कांग्रेस के घोटाले गिनवाए और कहा कि इसकी सूची बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। उन्होंने कहा, इन लोगों का इतिहास घोटालों का है, इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ भाजपा की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, तो दूसरी ओर इनके करोड़ों के घोटाले होते हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़ कर रख देगा। हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है। इंडी अलायंस के लोग तमिलनाडु के लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ के भी गुनहगार है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये गुनहगार है। ये पाप न आपने किया है न हमने किया है, ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री मोदी केरल के पथानामथिट्टा पहुंचे और लेफ्ट के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने भारी हुंकार भरी और इस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर विपक्ष रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर भ्रष्ट शासन का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने देश का नुकसान किया है और अब इनकी विदाई तय है और यही वजह है कि बीजेपी के पक्ष में केरल की जनता कह रही है अब की बार 400 के पार। पथनमथिट्टा का ये माहौल बता रहा है, इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है, अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं।
कांग्रेस और लेफ्ट, इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। दक्षिण में विस्तार के लिए बीजेपी तमाम तरह की रणनीति बना रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदी बेल्ट की पार्टी वाली इमेज से बाहर निकलने की है। मिशन साउथ में बीजेपी का फोकस कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु से बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है, तो इसके पीछे 2021 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर पार्टी को मिली जीत भी है। हालांकि तब बीजेपी ने AIMDMK के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और अब गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में तमिलनाडु में बीजेपी की चुनौती बड़ी है। दक्षिण के चुनावी आंकड़ों को देखें तो दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी को 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी में पार्टी का खाता नहीं खुला था और पिछले आम चुनाव में भाजपा का निजी स्कोर 303 रहा था। ऐसे में 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए पार्टी के लिए दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में लंबी छलांग लगानी होगी। अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण भारतीय राज्यों में 55 से 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। दक्षिण भारत में पार्टी ने दक्षिण में 84 सीटों को चिन्हित किया है, जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। बीजेपी की इसके लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर खास नजर है। अब देखना है कि बीजेपी अपने मिशन साउथ में कितना सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, ये नारा लगातार प्रधानमंत्री मोदी जिस राज्य में भी जाते हैं, जहां पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये नारा एकदम सटीक उनके मुंह से निकलता है। अब की बार 400 पार, और इसी 400 पार के टारगेट को लेकर मिशन साउथ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। किस तरह से उनकी ये जो कोशिशें हैं वो वोटों में और फिर परिणामों में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अनीता अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हैं। बहुत स्वागत है अनीता जी आपका कार्यक्रम में। संजीव तारनाच हैं, नेता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और शुभम हेला, नेता CPIM से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत में अनीता जी आप ही से करूंगी, लगातार एक ही बात को दोहराया जा रहा है, अब की बार 400 पार। लेकिन ये 400 पार करने के लिए मिशन बहुत बड़ा है और जिस तरह की तैयारी साउथ में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा है कि अब की बार 400 पार में दक्षिण कहीं पर भी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। क्या कुछ तैयारी और क्या स्ट्रेटजी, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए वक्ता जी, बिना तैयारी के 400 पार नहीं बोल रहे, क्योंकि तैयारी है तभी 400 पार की बोल रहे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर तक, पूरे बूथ स्तर तक है और पूरे देश में है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में रहता है और सबसे पहले जो हमारी योजनाएं हैं वो हमारे नीचे तबके तक गई है और सब तक आ गई है। कोई उसमें भेदभाव नहीं किया गया, कोई वर्ग का भेदभाव नहीं, किसी जात का भेदभाव नहीं, सबको मिला, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास को लेकर चले हैं। हम किसी एक वर्ग या किसी उसकी राजनीति नहीं, सीधे सीधे सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। और दक्षिण में भी हमारी योजनाएं काफी हद तक आगे आई हैं और लोगों को पता चला कि मोदी जी की कार, उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली देखी इसके साथ, अब वो मोदी जी की कार्यशैली 10 साल तक देख रहे हैं और देख चुके हैं, तो इसलिए उनको उनको भी पता है और अब हमको भी भरोसा है कि अब जो है वहां की सत्ता का परिवर्तन के दिन आ गए हैं दक्षिण पर। इसलिए अब दक्षिण वाले, केरल वाले सब लोग समझ गए हैं कि हमारा विकास किससे संभव है, कौन सी पार्टी है। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी समझने की कोशिश की है अनीता जी कि दक्षिण में आखिर ये जो मोदी मैजिक है ये क्यों नहीं चल पाता है? हर बार दक्षिण में हार का मुंह क्यों देखना पड़ता है? चाहे मोदी मैजिक की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता को के चेहरे को आगे रखने की बात हो, कोई भी योजना काम नहीं आ पाती है, क्या कारण है? क्या वहाँ की जनता के साथ उतना जुड़ाव नहीं हो पाता है या कमी है किसी चीज को जनता के सामने रखने की?
कमी कोई नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो भी क्षेत्रीय पार्टियां है हाँ। वो जो है जैसे हर जगह क्षेत्रीय पार्टियां प्रभावित है, ठीक है, वहाँ की भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो कि सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़ाव रखे हुए इस वजह से। लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टियों के जो उनको मालूम है कि सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, वो तो उनको लगेगा कि अब विकास कार्य यहाँ भी तेजी से आगे बढ़े, इसलिए वो अब अपना मन बदल चुके हैं और मन बदल रहे हैं ऐसी पूरी सूचना है। और पूरे मोदी जी से लगे भी वहाँ के कार्यकर्ता भी वहाँ लगे हुए हैं और पहले से हमारे देखिए तेलंगाना हो चाहे कई हमारी सीटें आई हैं विधानसभा में भी आई है उसमें, इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि अब वहाँ की जनता समझ रही है। देखिए ऐसा हम ये भी कह सकते हैं कि चलो दक्षिण में तो इधर नॉर्थ में इन लोग का बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा, लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे दक्षिण की जनता भी समझ रही है कि हमारी भलाई कितने है, उन्होंने कांग्रेस का कितने साल राज देखा है, उन्होंने ये भी देखा है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है और हमने 10 साल में क्या किया, उन्होंने इतने साल में क्या किया, सब सामने आ रहा है। या आप जनता से पूछिए वो भी ये कह रही है, तो हमें अपनी तारीफ करने का खुद शौक नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि जनता जो है वो इसमें मन बदल देती है कि वहाँ जो है दक्षिण में भी अब की बार भगवा लहराएगा। ठीक है संजीव तारनाथ जी, देखिए अनीता जी कह रही है इस बार तो भगवा लहरा कर ही रहेंगे क्योंकि पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी कर रही है कि कोई भी ठीक से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहा है, डर के माहौल में है, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे वो युवा वर्ग हो, तमाम तरीके के घोटाले आप करते हैं, किस तरह से आप ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये अन्याय के खिलाफ जो आप निकाल रहे हैं इसे खत्म कर पाएंगे, क्योंकि ये तो आप ही का सफाया करने की बात कर रहे हैं। देखिए वक्ता जी आपने अगर सुना होगा कि अनीता जी ने जिस तरीके से बात करी कि जी वहाँ की जो सरकारें हैं वो भ्रष्ट हैं, वहाँ पर जो अन्याय है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत बहुत सारी इन्होंने बात करी, इन्होंने एक बार भी मणिपुर का जिक्र नहीं किया। वही प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया केरला के अंदर जाकर के वहां पर भी एक बार मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे हमने देखा होगा पिछले कुछ महीनों पहले किस तरीके से मणिपुर के अंदर आगजनी हो रही थी महिलाओं के साथ। बात अभी दक्षिण की कर रहे हैं तो आप फिलहाल दक्षिण पे रहे, मुद्दे को ना बदले, वक्त की कमी रहती है मेरे पास सर। मैं वही आना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आप मणिपुर पहुँच जाते हैं, आप तमाम जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस तथ्य की बात नहीं करती है जिस बात के बारे में मैं सवाल कर रही हूँ सर। नहीं आपने जिस तथ्य के ऊपर बात करी मैं उस तथ्य के ऊपर ही आ रहा हूं। उसका मणिपुर से क्या लेना देना सर, मैं बातों पर वही आना चाहता हूँ वक्ता जी, मुझे समय तो दे, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समय दिया, ठीक है सर, कहिए, मुझे भी समय दे, आपके सवाल का ही जवाब दूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बड़े नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी मणिपुर के बारे में नहीं कहा और ना ही इनके किसी बड़े नेता ने मणिपुर के बारे में कहा। अपनी यहाँ पे सरकार सत्ता में होती है वहाँ पर बैठ करके दूसरी दूसरी बात अनीता जी ने बड़ी अच्छी कही कि साउथ के लोगों ने मन बना लिया, साउथ के लोगों ने क्या पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रास्ता दिखाने के लिए पूरा देश तैयार है। ये बातें करते हैं कि नीतियों की उन्होंने क्या नीति सामने आते हैं, जब जब इलेक्शन सामने आते हैं तब तब ये चीजों के जो महंगाई के जो दाम है वो कम करना शुरू कर देते हैं। अभी इन्होंने पेट्रोल और डीजल 2 रुपए कम कर दिए, पेट्रोल कभी सिलेंडर पे घरेलू सिलेंडर पे 2 रुपए कम कर देते हैं। जिस मुद्दे को उठाकर आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार महंगाई और तमाम मुद्दों को, उन्हीं मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि भगवान नहीं लहराएगा? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो सिलेंडर आज से 10 साल पहले 400 रुपए का हुआ करता था आज वो 1000 रुपए का मिलता है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 70 रुपए हुआ करती थी आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए पहुंच गई हैं, तो महंगाई नहीं बढ़ी है क्या? जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां काम कर रही है उसके ऊपर सवाल जवाब खड़े नहीं होते क्या? जिस तरीके से देश के किसान जो है वो बॉर्डर पे खड़े हैं और वो आकर अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किए वो उन्हीं वादों को लेकर के इनके सामने खड़े हैं, बट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मीटिंगों का दौर चलाती है और उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इनकी जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि हम दूसरों को दिखाएं कि हम बहुत अच्छे हैं, बट अगर सच्चाई के नाते देखा जाए
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नकारा साबित हुई है इन 10 सालों के अंदर। ठीक है शुभम एला जी, देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल से हुंकार भरते हुए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि केरल तक ही आप सीमित होकर रह गए हैं, आगे आपका कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, आउटडेटेड आपकी आइडियोलॉजी हो गई है, कैसे आगे बढ़ेंगे? कुछ दिन पहले मोदी जी ने केरल में कहा था ये केरल में ये कम्युनिस्ट है इनकी आइडियोलॉजी बहुत भयंकर है, क्योंकि देखिए ये संघियों को ये फासिस्टों को डर लगता है तो वामपंथियों के नीतियों से आदर्शों से, क्योंकि पता है कि इनको खत्म करना और सबको खरीद लेंगे बेच लेंगे, लेकिन वामपंथियों से लड़ना इनके लिए इनकी मुंह की बात नहीं। चुनावी रूप से क्योंकि चुनाव हमारे देश में पैसों से होता है, जाति के सवाल पे होता है, धर्म के सवाल पे होता है, आप देख ही रहे हैं, और उसमें बहुत सारे डुगडुगी नाच भी होते हैं जैसे मदारी नाच होता है, तो अभी आजकल पहले लोग मदारी नचाते थे, अब मैं माफ कीजिएगा मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसे कई मीडिया के लोग हैं उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पे ऐसे नचाया जा रहा है, चैनल में भी अच्छी टीआरपी आ रही है। और रही बात मोदी जी केरल में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, तो वहां से उनको 0 सीट मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि साउथ के लोग शिक्षित है, समझदार है, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये जो दूसरी बार बनी इन्होंने झूठ के सिवा लोगों को कुछ नहीं बोला, और साउथ के लोग समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अब ये 400 पार का नारा दिया है, इससे पहले का नारा था, सिलेंडर का जब दाम बढ़ता था तो एक टैक्सी भी कभी बहुत थी वो भी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, पहले महंगाई इनके लिए डाइन थी, आज महंगाई डार्लिंग हो गई। तो आप क्या करेंगे, आप शुभ मेला जी इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या करेंगे, आप कैसे बढ़ेंगे, आप कैसे मजबूती लाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आप खड़े भी हुए थे उसी के विपक्ष आपने उम्मीदवार उतार दिया वायनाड में, कांग्रेस के खिलाफ ही उतार दिया, कैसे सर? हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया गठबंधन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक प्लेटफॉर्म है, बीजेपी को रोका जाए, साउथ में बीजेपी है ही नहीं, हमारी जो आपसी वैचारिक जो लड़ाई है वो तो रहेगी, लेकिन यहाँ देश को पूरे ऑल इंडिया स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे, भारत के अंदर में जो फासिज्म जो चरम सीमा पे है, धार्मिक कट्टरवाद और पूंजीवाद का जो मिश्रण करके देश की आम जनता को लूटा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है धर्म के नाम पे, और लूटा लूट करके जो बोला था काला धन आएंगे और धन यहाँ का चुरा के सब विदेश चले गए, 15 लाख देंगे लोगों के जो अकाउंट में पैसे थे वो निकलवा लिए, तो ये सारे जो ये सारे लोगों को प्रॉमिस करके लोगों को झूठ बोल के, और वॉशिंग ये जो वॉशिंग पाउडर है भाजपा का जो वॉशिंग पाउडर है, तमाम लुटेरे करप्ट जो दूसरे पार्टियों में रहते हैं, तो परिवार वहाँ वैसे ही वो टपक के भाजपा में चले जाते हैं, वो एकदम खुले हो जाते हैं, इससे बोलिए ना ये दौरा चरित्र क्यों मोदी जी क्यों, देश जानना चाहता है मोदी जी क्यों? ठीक है शुभम जी, ठीक है अनीता जी, देखिए लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि बीजेपी का ये जो हिंदुत्व का कार्ड धर्म को लेकर आगे बढ़ती है, क्या ये कार्ड आप जो उठा रहे हैं ये चल पाएगा, दक्षिण को इस कार्ड की जरूरत है क्या? वक्ता जी हम किसी कार्ड को लेकर नहीं चल रहे, देखिए राम जी की जहाँ तक बात है, राम जी हमारे जन्म से लेकर भवन तक हमारी आस्था है, रहेगी हमेशा रहेगी, जो हमारे ये कोई राजनीति नहीं है, हमारी आस्था का विषय है, हमारे अपने नाम पे एक बात बताइए अनीता जी, कैसे कैसे ये दक्षिण का किला फतेह कर पाएंगे, बात अगर कर्नाटक की करें तो 25 सीटों पर आप है लेकिन अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है, आंध्र प्रदेश की बात करें आपका कोई सांसद नहीं नजर आता, केरल की बात करें आप वहां पर कहीं नजर नहीं आ रही हैं, तेलंगाना में बात करें तो भले 4 सीटों पर कब्जा हो गया लेकिन वो भी गठबंधन के साथ था, अब वो भी टूट गया है, बात अगर तमिलनाडु की करें तो वहां पर भी कुछ नहीं, कैसे हमने कहा ना, लेकिन इस बार वहाँ पे बदलाव आएगा, आप देखिएगा हम इस चीज से बिल्कुल शर्त, इस बार वहाँ की जनता मन बना चुकी है, कैसे बना चुकी है, ऐसा ऐसा क्या करने के लिए आपने कह दिया कि इस बार दक्षिण की जनता का मन इतना पुख्ता हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे? हाँ क्योंकि 10 साल तक उन्होंने मोदी जी की कार्यशैली को देखा है कि कैसे वो विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वो बिना भेदभाव के हर वर्ग को हर योजनाओं का लाभ दे रही है, उन्होंने देखा है 10 साल में, वो देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने क्या किया, और पीछे अपना कॉल थी
उसका अंतर साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि कई लोग साफ ये उन्होंने देखा है। ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। संजीव कारनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं, 10 सेकंड में कहिए सर और अपनी बात को खत्म कीजिए। मैं एक चाहता हूँ वक्ता जी, अनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि साउथ के लोगों ने क्या पूरे भारत के लोगों ने देखा है मोदी जी की कार्य इस तरीके की रही है, और इस बार पूरे देश ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का पूरे देश ने मन बनाया है। और आने वाले लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर का रास्ता देखते हुए नजर आएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी साउथ मिशन पर जा रही है, तमाम तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी और काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है, उसकी ये कोशिशें वोटों में और सीटों में कितना तब्दील हो पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मेरे साथ फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।